सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज राजमाता का अंतिम संस्कार होगा और उसके पहले भारी भीड़ ये हुजूम आप देख रहे हैं, जहां तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और आखिरी दर्शन के लिए। हालांकि 5 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस वक्त राजमाता का पार्थिव शरीर ग्वालियर पहुंच चुका है। कल दिल्ली में ही था और आज ग्वालियर पहुंचा। एम्बुलेंस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम। यहाँ पर राजमाता का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली है दिल्ली में, जिसके बाद दिल्ली से माधवी राजे का पार्थिव शरीर जो है ग्वालियर ला दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पत्नी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का निधन हो गया। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो ग्वालियर पहुंच चुका है। ग्वालियर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई मंत्री और नेता अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और रात तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का भी आना तय हो चुका है कि वो पहुंच जाएंगे समय से पहले ही। साथ ही नेपाल, वडोदरा और जम्मू के राजघराने के सदस्य भी ग्वालियर पहुंचेंगे। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि 10 बजे का वक्त तय किया गया था जब उनके इस पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट से ग्वालियर के लिए रवाना किया गया। 10:45 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचने की बात थी, पहुंच चुका था और उसके बाद अब 11:15 को जो समय तय किया गया था महल के लिए रवाना किया गया था और अभी 12:30 बजे के लगभग कहा जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो ग्वालियर पहुँचा है और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार 5 बजे होगा। लेकिन अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके लिए ग्वालियर में पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक अंतिम यात्रा की तैयारी की जाएगी और 3:30 बजे अंतिम यात्रा छत्री के लिए रवाना होगी और छत्री में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। 20,000 लोगों के मौजूद रहने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है और माधवी राजे का पार्थिव शरीर जो है वो ग्वालियर क्योंकि पहुंच चुका है। उसके पहले जब दिल्ली में था तो कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं और पार्थिव शरीर को अब निकाला जा रहा है। इसी के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर इंतजाम, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक का सफर। राजमाता माधवी राजे सिंधिया अब नहीं रही, नेपाल के राणा राजवंश की राजकुमारी थी माधवी राजे। माधवी राजे के दादा युद्ध शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। शादी से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी था। माधव राव सिंधिया से उनकी शादी हुई 1966 में। शादी के बाद सिंधिया राजघराने में उनका नया मराठी नाम माधवी राजे रखा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और बेटी चित्रांगदा सिंह संतान ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख ही रहे हैं, बेटी भी है इनकी। इसके अलावा पति का निधन 30 सितंबर 2001 में ही हो गया था। माधवराव सिंधिया जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में आप देख सकते हैं ये तस्वीर ग्वालियर से आपको दिखा रहे हैं जहां पार्थिव शरीर ग्वालियर पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में अंतिम दर्शन के लिए लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम संस्कार के लिए ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर, गुना से हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इनके लिए अलग अलग पार्किंग और आने के लिए रास्ते निर्धारित किए गए हैं। इसे ध्यान में रखकर पुलिस ने सारे इंतजाम कर दिए हैं। सिंधिया छत्री परिसर में हर वर्ग के खड़े होने और बैठने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जहाँ राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा वहाँ एक और आम लोगों के लिए भी खड़े होने की जो व्यवस्था है वो रहेगी। तस्वीर आप देख रहे हैं जबकि दूसरी ओर वीवीआईपी और उसके पास में दाई तरफ वीआईपी बैठेंगे। इनके आने के लिए अलग अलग गेट निर्धारित किए गए हैं और सामने की ओर शाही घरानों के आने वाले सदस्य मौजूद रहेंगे। तो छत्री से लेकर मौजूदा समय में ग्वालियर में उनके घर तक भी व्यवस्थाएं चार चौबंद है अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन करने के साथ ही
जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजमाता के अंतिम सफर, अंतिम संस्कार से पहले की ये तस्वीर, आखिरी बार उनके दर्शन, और उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे कभी भी, क्योंकि इससे पहले वो दिल्ली में मौजूद थी और दिल्ली में भी उनका जो है पार्थिव शरीर रखा गया था। रानी महल गेट जीवाजी क्लब के सामने से अंतिम यात्रा निकलेगी। राजमाता माधवी राजे की अंतिम यात्रा रानी महल गेट यानी जीवाजी क्लब के सामने महल के दरवाजे से निकाली जाएगी और यात्रा में शामिल परिवार और वीआईपी वाहनों में सवार होकर लोग निकलेंगे। इसी दरवाजे से राजमाता विजयाराजे सिंधिया का पार्थिव शरीर जो है उसे ले जाया जाएगा, अंतिम यात्रा के लिए निकाला गया था। इसके अलावा बात करें अगर यहां से अचलेश्वर चौराहा कटोरा ताल रोड होते हुए छत्री परिसर के गेट नंबर 3 से अंदर प्रवेश करेगी पार्थिव शरीर। इसी दरवाजे से आम लोगों को भी एंट्री दी जाएगी, लेकिन जब अंतिम यात्रा यहां पहुंचेगी तो आम लोगों का प्रवेश कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पहुंच चुका है पार्थिव शरीर ग्वालियर, जिसका इंतजार था। कई चाहने वाले राजमाता के, जो उन्हें पसंद करते थे, उनके व्यक्तित्व को पसंद करते थे, इतने बड़े राजघराने की होने के बावजूद भी उनका साधारण सा व्यक्तित्व ही है जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। उनकी बातचीत, उनका बोलचाल, वो आम लोगों के लिए, उनके लिए उनके जैसा ही था। इसीलिए यहाँ पर कई लोग जो हैं गम में हैं और दुखी हैं कि अब राजमाता नहीं रही। हालांकि काफ़ी समय से वो बीमारी से परेशान थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा जब खराब होने लगी तो फिर एक तरफ आपने चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखा होगा जब वो ग्वालियर आए हुए थे, लेकिन फौरन उनको यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद बेहद ही दुखद समाचार ये मिला कि अब राजमाता नहीं रही, और उसके बाद से ही शोक की लहर, दुख हर ओर, और अभी मौजूदा समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफ़ी ज़्यादा बीते कुछ दिनों में दुखी और इस तरीके से नज़र आए। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप देख रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर जो मौजूद हैं। हालांकि लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, आज शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा, 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम सफर पर अब राजमाता, अंतिम संस्कार के मद्देनज़र तमाम तैयारियाँ कर ली गई हैं और कई बड़े वीआईपी नेता क्योंकि यहाँ पर आएंगे अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई देंगे राजमाता को। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, मध्य प्रदेश के तो मुख्यमंत्री आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनका आज दौरा है अलग अलग जगहों पर, उसके अलावा वो यहाँ पर आएंगे और अंतिम दर्शन। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पार्थिव शरीर ग्वालियर पहुँच गया है, अब आगे अंतिम दर्शन कब तक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजमाता माधवीराजे सिंधिया का पार्थिव शरीर जो है वो अब यहाँ पर पहुंच गया है महल में, और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि काफी भीड़ हो गई, इसलिए भी भीड़ को रोका गया है, और बहुत सारे लोग जो सुबह से यहाँ जमा हुए थे उनको पहले एंट्री दे दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग से पूरे मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं, और यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अब यहाँ पर लगाई गई थी, और यही कारण कुछ लोगों को यहाँ पर रोका भी गया है। जो जब वो यहाँ पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने चारों तरफ से पहले गाड़ी को घेर लिया, उसके बाद खुद उत्तर सिंधिया ने अपने दरवाजा खोला था, और उसके बाद सबसे आग्रह किया कि आप सब लोग अंदर आइए, अंदर आकर अंतिम दर्शन कीजिए। तो देखिए, बेहद भारू क्षण ग्वालियर चंबल संभाग के लिए है, और खासकर उन लोगों के लिए जो सिंधिया परिवार से जुड़े रहे हैं और लंबे समय से सिंधिया परिवार के साथ मिलकर राजनीति करते रहे, और यही कारण है तमाम लोगों से जो बात हुई सबका यही कहना है कि भले ही राजमाता माधवी राजे सिंधिया तक की राजनीति में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा उनका इसलिए जो है उनको मिलता रहा है, समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा है, और उनका जाना न केवल सिंधिया परिवार के लिए बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम लोगों के लिए जो है अपनी संस्कृति जो है वो करार दे रहे हैं। तो तमाम लोग हैं अभी भी बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और बिल्कुल बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो तमाम सुरक्षा वस्तु भी 20 से 25 हजार लोगों के उनके अंतिम दर्शन, और उसमें जो अंतिम संस्कार होगा उसमें शामिल होने का अनुमान जो है वो लगाया गया था, और यही कारण है कि पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पहले जब वो एयरपोर्ट से महल की तरफ उनका पार्थिव शरीर रवाना होगा तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वो यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद अब जब पुरानी महल पहुंचे अंतिम दर्शन जो है वो 3 बजे तक उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा, और उसके बाद लगभग 3:30 बजे के आसपास उनकी पार्थिव देह को यहाँ से सिंधिया परिवार की सगरी है जहाँ पर सभी उनके पूर्वजों के संस्कार वहाँ किए जाते हैं वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा। लगभग 5 बजे के आसपास
ये अंतिम संस्कार जो है वो वहाँ पर किया जाएगा। इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 3 बजे के पास हो ठीक है। इसके साथ ही